तो एक बार फिर से हम न्यूक्लियस वाला टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे इसको यहाँ से कि क्रोमेटिन जो है, क्रोमेटिन से कि इंटरफेस न्यूक्लियस जब सेल डिवाइड नहीं करता, इंटरफेस न्यूक्लियस जो है उसमें लूज और इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क देखने को मिलता है हमें न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स का। इनडिस्टिंक्ट और लूज फाइबर देखने को मिलता है न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर का नेटवर्क, जिसे हम क्रोमेटिन बोलते हैं। और क्रोमेटिन में डीएनए और कुछ बेसिक प्रोटीन्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं हिस्टोन्स, और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स और आरएनए भी प्रेजेंट होता है क्रोमेटिन में। एक सिंगल ह्यूमन सेल जो है उसके अंदर लगभग 2 मीटर लंबा थ्रेड पाया जाता है डीएनए का, जो डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स 46 क्रोमोसोम्स या फिर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। एवरी क्रोमोसोम जो होता है, हर एक क्रोमोसोम जो होता है वह इसेंशियल है, ज़रूरी है, हैज़ अ प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन या फिर सेंट्रोमेयर ऑन द साइड्स ऑफ विच डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स कॉल्ड काइनेटोकोर्स। काइनेटोकोर्स प्रेजेंट होते हैं और इनकी पोजिशन के बेस पे, बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमेयर की पोजिशन के बेस पे क्रोमोसोम जो है वो 4 तरह के होते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो है वो मिडल सेंट्रोमेयर क्रोमोसोम जो है, जिनके अंदर मिडल में होता है सेंट्रोसोम और 2 इक्वल आर्म्स होती हैं क्रोमोसोम्स की, उसको मेटासेंट्रिक बोलते हैं। सब मेटासेंट्रिक जो क्रोमोसोम है उसके अंदर सेंट्रोमेयर जो है वो नियरर टू वन एंड ऑफ क्रोमोसोम रिजल्ट इन टू, मतलब एक जो है सेंट्रोमेयर उसके पास होता है ना क्रोमोसोम, मतलब कि इसके रिजल्ट से क्या होता है कि एक मतलब 2 आर्म्स छोटी और 2 लंबी आर्म्स है ना। उसके बाद एक्रोसेंट्रिक जो है, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स जो है इसमें सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड फॉर्मिंग 1 एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड 1 वेरी लॉन्ग आर्म। एक जो है बहुत ज़्यादा छोटी आर्म हो जाती है, इसकी वजह से सेंट्रोमेयर जो है वो बहुत ज़्यादा पास होता है ना, सेंट्रोमेयर जो है बहुत ज़्यादा पास होता है क्रोमोसोम के, इसकी वजह से क्या होता है एक आर्म जो होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली शॉर्ट हो जाती है, एक बहुत ज़्यादा लंबी। और टीलोसेंट्रिक में क्या देखने को मिलता है, टीलोसेंट्रिक में क्रोमोसोम जो होते हैं वो टर्मिनल सेंट्रोमेयर होता है, क्रोमोसोम हैज़ अ टर्मिनल, उसमें टर्मिनल सेंट्रोमेयर देखने को मिलता है। और यहाँ पे हमारा ये मतलब फिनिश होता है कि सेंट्रोमेयर के मतलब पोजीशन के अकॉर्डिंग क्रोमोसोम जो 4 टाइप्स के वो बता दिए। तो कई बार फ्यू क्रोमोसोम, कुछ क्रोमोसोम जो होते हैं वो हैव अ नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एट अ कांस्टेंट लोकेशन, और ये देते हैं अपीयरेंस ऑफ ए स्मॉल फ्रेगमेंट जिसको हम बोलते हैं सैटेलाइट, है ना, अपेयरेंस ऑफ ए स्मॉल फ्रेगमेंट जिसको हम सैटेलाइट बोलते हैं। 11 सब टॉपिक भी बात इस वीडियो में कर लेते हैं हम, माइक्रोबॉडीज और लास्ट सब टॉपिक है और यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो माइक्रोबॉडीज क्या है, बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंड मिंट वेसल्स जो होती हैं, बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंड मिंट छोटी छोटी वेसल्स जो होती हैं उसको माइक्रोबॉडीज बोलते हैं, और इनके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स कंटेन होते हैं, और ये दोनों प्लांट्स और एनिमल्स में हमें एनिमल सेल में, प्लांट सेल में देखने को हमें मिलती है माइक्रोबॉडीज। ओके, तो यहाँ पे मेरा चैप्टर फिनिश होता है।